ये वीडियो भी मेरी यूजुअल वीडियो से काफी अलग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लाइनअप्स के बारे में जिनके नाम तो काफी बड़े हैं पर दर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसे आसान शब्दों में बोलूं तो कुछ ऐसे लाइनअप्स जिनके बिल्डअप के अराउंड काफी हाइप थी, बट उनका परफॉर्मेंस भी उतना ही गंदा रहा। इतना गंदा रहा कि तुम लोग खुद देखकर बोलोगे ये तो चिट्ठी है। बाय द वे, जिन भी टीम्स को मैं कवर करूंगा मेजरली ये सभी काफी नामी ऑग्स हैं। हम कुछ नए लाइनअप्स को कवर करेंगे एंड कुछ पुराने लाइनअप्स को। ऑल्सो टीम न्यूमेन स्पोर्ट्स एंड टीम हाइड्रा का करियर सर्च अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ कमी हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। एंड हां गाइस, ये वीडियो मार्च में जानी थी, बट क्या है ना, मुझे दिहाड़ी देने भी जाना होता है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज काफी टीम्स का कमबैक अभी के लिए हो गया है एंड कुछ प्लेयर चेंजेस भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल टीम एक्सपाक एंड हाइड्रा। सो इस वीडियो में मैंने जितनी भी करंट टीम्स पर बात करी है उनको सीरियसली मत लेना। एंड ऑनेस्टली मैं स्काउट डारा के फैन से विनती करता हूँ, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में प्यार ना दे। और हाइड्रा फैंस की बात करूं, अच्छा वो तो है ही नहीं। सिट बैक एंड जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। वेल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सब्सक्राइब तो तुम लोग करने नहीं वाले, तो कृपया करके लाइक ही कर दो। 6000 लाइक्स पर मैं इसका सेकंड पार्ट ड्रॉप कर दूंगा। वेल, शुरुआत करते हैं अपनी पहली टीम से। नंबर वन टीम न्यूमेन स्पोर्ट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जुलाई 2022 को स्पोर्ट्स में एंट्री ली थी, बट हम बात करेंगे उनके 2023 वाले रोस्टर के बारे में। उस लाइनअप में चार प्लेयर्स थे, अभी रेक्स, गिल और सविटार। ये लाइनअप जुलाई 2023 के आसपास फॉर्म हुआ था, जो कि दिसंबर 2023 तक चला। दे प्लेड टोटल 5 टूर्नामेंट्स अंटिल क्लच गॉड जॉइन्ड देम। तो टोटल उन्होंने 13 इवेंट्स खेले जिनमें से एक भी नहीं जीता। इवन क्लच गॉड के जॉइनिंग के बाद उनका परफॉर्मेंस और भी गिरा। क्लच गॉड के जॉइन करने से पहले उन्होंने एटलीस्ट 5th एंड 7th पोजीशन ली, बट उनके जॉइनिंग के बाद की पोजीशन आप लोग देख सकते हो, मे बी बिकॉज ऑफ द सिनर्जी इशू और गन पावर, या फिर हो सकता है मेरी टीचिंग स्किल्स में कुछ कमी रह गई हो। बाय द वे, बीजेएस में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी, पर नीचे से। ऑल्सो क्लच गॉड की कमी थी कि दिसंबर में बीएमपीएस के लिए शेडो ने भी इन्हें ज्वाइन किया विद विक्सी, बट बीएमपीएस 2023 में दे सिक्योर 9th पोजीशन। इस टीम का बेस्ट स्कोर 5th पोजीशन रहा। नेक्स्ट अप इज हाइड्रा। वैसे तो इनकी जर्नी में कभी कुछ अच्छा रहा ही नहीं है, बट स्टिल हम बात करने वाले हैं उनके 2023 वाले रोस्टर के बारे में, जिसमें चार प्लेयर्स हैं और एक कंटेंट क्रिएटर भी। 10 साल टीम के अराउंड हाई बनाने के बाद 29th अक्टूबर 2023 को ये लाइनअप रिवील हुआ, एंड उसके बाद इस टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, पर बॉटम्स में। यूजुअली लोग फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ते हैं एंड हाइड्रा भी सेमी चीज करती है, पर नीचे से फर्स्ट के लिए। इन्होंने कुल 9 इवेंट्स खेले हैं जिनमें से एक भी नहीं जीता। इनका बेस्ट स्कोर 6th पोजीशन रहा। दो इवेंट्स के लिए ऋषभ भाई ने भी इस टीम को ज्वाइन किया, बट उससे उनकी पोजीशन और भी नीचे गिरी। लोग ईस्पोर्ट्स से कंटेंट क्रिएशन पर स्विच करते हैं ब्रेक लेने के लिए, बट ऋषभ भाई बिल्कुल अपोजिट करते हैं ताकि सब बैलेंस रहे। अबे तू थोड़ा सा बहन का। इससे पहले भी इनके कई लाइनअप्स रहे पर परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रही खराब। इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स करियर में अब तक लगभग 65 इवेंट्स खेले हैं जिनमें से सिर्फ एक ही जीता, विच मेक्स द रेशियो ऑफ 0.65%, एंड वो भी एक क्वालिफाई इवेंट था। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट टीम 8-bit। वैसे तो इनकी जर्नी भी कभी अच्छी नहीं रही, बट हम बात करने वाले हैं उनके दो सबसे बढ़िया लाइनअप्स के बारे में। सेकंड वाले की बात हम सेकंड एपिसोड में करेंगे, बट फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द करंट लाइनअप। भाई इनका ये लाइनअप तो जितनी जल्दी डिसबैंड हो जाए उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ मेरी वीडियो एंड होने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दो। बाय द वे, इस लाइनअप के तीन प्लेयर्स माइटी, जूसी और मैडमैन 2022 से इनके साथ हैं, बट 2023 में बीस ने इस टीम को लीक किया एंड कुछ चेंजेस के बाद करंटली इस लाइनअप में माइटी, जूसी, मैडमैन के अलावा नॉनक एंड लियो भी जुड़े। टोटल उन्होंने 7 इवेंट्स खेले हैं जिनमें से एक भी नहीं जीता। इनका बेस्ट स्कोर 9th पोजीशन रहा। अच्छा, संभालने से याद आया इंडिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के बारे में, टीम मायावी। इस टीम के प्लेयर्स भी बिल्कुल ट्रैश थे। इस संघ में 5 खिलाड़ी थे, ब्लैक्स, साइफर, थंडर, लेजेंड एंड प्रो, और पांचों के पास जादुई शक्तियां भी थी। मतलब जादू होने के बाद भी कोई इतना गंदा कैसे खेल सकता है। इससे बेटर होता कि 5 बंदे 5 अलग अलग टीम से जादू लगाकर खेलते, क्या पता किसी टीम के कोच ही बन जाते। तू थोड़ा सा सॉरी, पर कुछ भी बोलो भाई, जब वो जादू यूज किया करते थे वो हमेशा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे, पर जब से उन पर एलिगेशंस लगे और जादू लगाना बंद किया तब से वो ईस्पोर्ट्स में उतना ही दिख रहे हैं जितना सैगी। वैसे कोच की बात हो ही रही है और हम हमारे सकौर भाई को भूल जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? देखो गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, हमें कभी भी किसी प्लेयर या किसी टीम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर तब जब उनका समय खराब चल रहा हो, पर परफॉर्मेंस अगर ऐसी हो तो मैं नहीं छोड़ता। हाँ, तो हम बात करेंगे उनके करंट लाइनअप के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली जनवरी में फॉर्म हुआ था। इससे पहले वाले लाइनअप में मेजरली 5 प्लेयर्स थे जिनका परफॉर्मेंस एटलीस्ट डिसेंट था, बट आयरोनिकली टीम एक्सपाक ने उस लाइनअप को डिसबैंड करके नया लाइनअप फॉर्म किया जिसमें सारंग एंड ड्रीम्स 2023 सीजन के साथ में है, बट स्पेगॉट को नवंबर के अराउंड ऐड किया गया एंड निंजा डॉट को जनवरी में। तो टोटल उन्होंने 7 इवेंट्स खेले हैं जिनमें उनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही एंड उनका बेस्ट स्कोर 5th पोजीशन रहा 2 इवेंट्स में। बाकी में एज यूजुअल टेबल टॉपर्स रहे पर नीचे थे। निंजा डॉट की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था पर बाद में उन्होंने टीम एक्सपाक को ज्वाइन कर लिया। अब और ज्यादा अच्छा चल रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट टीम एक्सपाक के साथ अलग ही सिचुएशंस होती हैं। ये इवेंट के बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऑफिशियल इवेंट्स में ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं पर अनऑफिशियल में बिल्कुल अपोजिट। और इंटरनेशनल की बात करें, अब इंटरनेशनल की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर इंटरनेशनल्स स्काउट एंड मिस्टर मवी। तो हम बात करेंगे इंडिया के सबसे हाइप लाइनअप के बारे में, जो 2021 में गेम अनबैन के बाद फॉर्म हुई थी। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा लोग लाइनअप बनाते हुए आंखें बंद क्यों कर लेते हैं। खैर, इस लाइनअप की अनाउंसमेंट 7th जुलाई 2021 को एसओडीएल के चैनल पर हुई, जिसको 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ देखकर अपना समय खराब किया था। इस लाइनअप में भारत के उस टाइम के 5 सबसे दिग्गज खिलाड़ी एक साथ हकते दिखाई दिए, मेरा मतलब है खेलते हुए, रहेगा मॉर्टल, वाइपर, मवी एंड स्काउट, एंड बीच बीच में कुछ प्लेयर चेंजेस भी हुए। यही वो टाइम था जब स्काउट भाई ने इतना बड़ा फ्लैंक मारा था कि वो ईस्पोर्ट्स से ही बाहर हो गए थे। ये लाइनअप अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक चला अंटिल देयर डिसबैंड। तो टोटल उन्होंने 20 मैचेस खेले जिनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। मॉर्टल, स्काउट, मवी, रेगा एंड वाइपर, ये सभी प्लेयर्स काफी ग्राउंडेड एंड डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस भी काफी ग्राउंडेड रहा। इनका बेस्ट स्कोर 5th पोजीशन रहा एंड वो लाने में भी उनको पूरे 9 प्लेयर्स का लाइनअप लगा। अगर प्रॉपर लाइनअप के बेस्ट स्कोर की बात करें तो उनका बेस्ट स्कोर 13th पोजीशन रहा। बाय द वे, गॉडलाइक जो आज कर रही है वो सोल 2021 में किया करती थी। हैट्स ऑफ टू टीम सोल फॉर सेटिंग दिस लेगेसी।
By the way, to all the godlike fans, don't worry guys, मैं टीम सोल के लिए बायस नहीं हूँ, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम टीम गॉडलाइक को भी कवर करेंगे। अब लेगेसी की बात हो और हम चार बच्चों के पापा मवी को कैसे बोल सकते हैं, तो जब 2022 में जी का ये वाला लाइनअप डिसबैंड हुआ तो ग्लोबल स्पोर्ट्स ने मवी के साथ और तीन प्लेयर्स को ऑनबोर्ड किया, निंजा बॉय, आदि एंड एटलस। और इस लाइनअप के साथ उन्होंने कुल 18 मैचेस खेले जिनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। काफी प्लेयर चेंजेस भी हुए, रूजू, स्लग, शैडो, बीस्ट, डार्क लॉर्ड एंड नूब, इन सभी प्लेयर्स ने अपना अपना सहयोग दिया टीम को टेबल पर नीचे रखने में। इनका बेस्ट स्कोर दिवाली पर निकला और मवी ने अपने कमबैक की घोषणा की क्योंकि उन्होंने एक मेजर अनऑफिशियल लैन इवेंट में थर्ड पोजीशन सिक्योर करी, पर क्योंकि मवी भाई काफी डाउन टू अर्थ है तो अगले इवेंट में उन्होंने 12th पोजीशन सिक्योर करी एंड बैक टू बेसिक्स पर आ गए। इनका करंट लाइनअप भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऑल्दो ग्लोबल स्पोर्ट्स अंडरडॉग्स को 2022 से सपोर्ट कर रही है, अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसमें जी क्या करेगी। वैसे परफॉर्मेंस का नाम लिया है तो सेंसी भाई को कैसे बोल सकते हैं, भाई ने BGMI/PUBG स्पोर्ट्स में हाईएस्ट अनऑफिशियल ट्रॉफीज उठाई है। और देखते हैं रेवेनेंट में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। वेल, सेंसी ने रेवेनेंट को MJ, फियर्स और अपोलो के साथ जून 2023 में ज्वाइन किया था एंड ये लाइनअप उनका दिसंबर 2023 BMPS तक चला। वेल, आई वोंट से कि उनका ये लाइनअप वर्स्ट था बट इट वॉज डिसेंट क्योंकि कुछ गेम्स उनके एवरेज गए और बाकी में एज यूजुअल। तो टोटल उन्होंने 21 इवेंट्स खेले जिनमें उनके कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। उनका बेस्ट स्कोर थर्ड पोजीशन रहा एंड यू गाइस विल शॉक टू नो उस पूरे साल सेंसी एंड टीम ने एक भी इवेंट नहीं जीता। बट गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सेंसी भाई जो हर साल सिर्फ ट्रॉफीज उठाते थे अनऑफिशियल इवेंट्स में, उनको रेवेनेंट में आते किसकी बनौती लग गई। ओ अच्छा, अल्फा ने भी तो रेवेनेंट को जून 2023 में ज्वाइन किया था। जोक सपाट गाइस, हमें कभी भी हार्डवर्किंग क्रिएटर्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिनके साथ आप काम कर चुके हो, पर पनौती ऐसी लगे तो हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं यार? By the way guys, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे ही अल्फा ने हेडर को लीक किया, हेडर कितनी डेडिकेशन के साथ ई-स्पोर्ट्स में घुसी। I don't know तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं, इससे पहले लास्ट 5 इयर्स में कभी भी इतनी डेडिकेशन के साथ हेडर कभी ई-स्पोर्ट्स में घुसी ही नहीं। हाँ, अब उसके भी परफॉर्मेंस नहीं ला पा रहे वो बात बिल्कुल अलग है। वेल, परफॉर्मेंस से मुझे पता नहीं क्यों मार्कस गेमिंग की याद आ गई, ऑल्दो परफॉर्मेंस और मार्कस गेमिंग का कोई लेना देना नहीं है। स्टिल, लेट्स टॉक अबाउट मार्कस गेमिंग। वैसे तो इनका 2022 वाला लाइनअप भी काफी खराब था एंड साथ ही में 2023 वाला भी, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट 2022। तो इनके उस रोस्टर में 5 प्लेयर्स थे, पावकेलो, डॉन, घासली, डायनेस्टी एंड स्टार। उस साल उन्होंने कुल 10 इवेंट्स खेले जिनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। उनका बेस्ट स्कोर सेकंड पोजीशन रहा और वो भी बबलू भाई के ऐड होने के बाद। नहीं, मैं इन बबलू की बात नहीं कर रहा। अब देखो, 2022 इनके लिए कम पड़ रहा था तो उन्होंने 2022 जुलाई में ही स्क्रैच से रोस्टर बिल्ड करके 2023 में भी हगार जारी रखी। तो आओ देखते हैं उस लाइनअप ने प्रीवियस वाले लाइनअप से बेटर परफॉर्म किया था या और भी खराब। सबसे पहले तो उस लाइनअप में भी 5 प्लेयर्स थे, वैक्सी, ऑस्मियम, अलादीन, स्प्रिगॉड एंड सयम। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वैक्सी को छोड़कर सब लोग प्रीवियसली टीम एक्सपर्ट में डोमिनेट कर चुके हैं। हाँ, तो इन्होंने खेले 9 इवेंट्स जिनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही और उनका बेस्ट स्कोर 10 पोजीशन रहा। तो ये थे हमारे इस एपिसोड के कुछ बहुत ही अच्छे लाइनअप्स जिन्होंने अपनी ऑक के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएट करी। एंड गाइस, रिमेंबर वन थिंग, लाइनअप इज नॉट इक्वल टू प्लेयर्स, दीज आर द टॉप टियर प्लेयर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। इन रोस्टर्स के वर्कआउट ना कर पाने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। इस वीडियो से मेरा मकसद किसी भी क्रिएटर, प्लेयर या ऑक को डिसरेस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। आई होप यू गाइस एंजॉयड। अगर तुम लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब।